हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? हैप्पी मैरिज लाइफ के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। और जिस घड़ी का आपको और हम सबको था बेसब्री से इंतज़ार, वो घड़ी आ गई है और नई भाभी जी से मिलने का आप सभी को और हमको मिल रहा है मौका। तो आपको नई भाभी जी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताना। और जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो पर नए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और वीडियो में बने रहिएगा अंत तक और देखें सारी रस्में रिवाज। नरेंद्र गार्डन में आपकी एंट्री हो चुकी है और मैं हूँ जीजा जी का सर। परी चल रही है, परी बन गए, वंदु चल रही है, परी बन गए। आराम से होता नहीं आपका? और यहाँ पर फ्रेंड्स बरातियों के लिए लगा है नाश्ता और खाना। और सबसे पहले बराती नाश्ता करेंगे और जिसको खाना खाना हो वो खाना भी खाएंगे, क्योंकि अब दोनों चीज़ एक साथ चलती हैं। पहले ये रस्म रिवाज नहीं थी, पहले एक बार नाश्ता कराया जाता था और दूसरी बार में खाना खिलाया जाता था, लेकिन अब ये कुछ चेंजिंग हो चुकी हैं। खाना और नाश्ता दोनों एक साथ रेडी किया जाता है और एक साथ ही सब करते हैं। तो यहाँ पर रसगुल्ले, रसमलाई वगैरह वगैरह लगा दी हैं। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं नरेंद्र पैलेस में, जो कि ओहाना से आगे पड़ता है टोल टैक्स से। और यहाँ पर मैरिज होम बनाया हुआ है, बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत, आप देख सकते हैं। तो खाना और नाश्ता होने के बाद गोरा लेने की हो गई है तैयारी और ये यहाँ पर चल रहे हैं गोरा लेने के रस्म और रिवाज। और यहाँ पर अब गोरा दिया जाएगा। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वानुषादिके शरणी त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते वक्रतुंड महाकाये सूर्यकोटि क्षमाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। शीर्वादु सहस्रनाम रचा रक्षन्ते प्रियां वस्त्रो उपवस्त्रं समर्पयामि। हरि ओम आरोलिका तिलकरो भाई श्री गंधद्वारांद्रादक्षां नित्य पुष्पां कृष्णीं मे ईश्वरे सर्वभूतानां दानियो परवेश्वर्यं महागंधं समर्पयामि। चावल विचराओ भाई यक्षतानंते समर्पयामि। फूल पुष्पाणीं समर्पयामि। ओम कांडाद कांडात् पुरुषे पृथे बृहस्पति एवां दुषेस्वदिनजे दूर्वांकुरानं समर्पयामि। दूर्वांकुरानं नामते धूपोर्दीपाय सारा करो भाई। दुर्वशी दुर्वदेवो दुर्वरत्न द्यो नमः। हाथ धो लीजिएगा हस्तोपलाक्षं चे ऋषिकेशवाय नमो नमः। हरि ओम नाभ्या आश्रितं दर्शयः। बार 63,000 रुपए की चैन
1,92,000 रुपए की बुलेट है जी, टोटल मिला के भैया 2,72,000 रुपए है। ऐसे ऐसे कर वेट करना है सही। और फ्रेंड्स, गोरे में दूल्हे राजा को मिली है रॉयल इनफील्ड। और आपको रॉयल इनफील्ड बाइक कैसी लगती है कमेंट कर ज़रूर बताना, और कैसी लग रही है। और दूल्हे राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तो फ्रेंड्स, यह है हर विवाह की कहानी। रिबन कटाई सालियां मांग रही हैं 11,000 रुपये, और दूल्हे की तरफ से मिल रहे हैं 5,100 रुपये। लेकिन दोनों पार्टी अभी सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि सालिया तो 11,000 रुपये ही लेकर मानेंगी। तो फ्रेंड्स, आखिर इस नोक झोंक में सालियों की जीत हुई और उनको मिल गए 11,000 रुपये, और वे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। तो सारी रस्म रिवाज होने के बाद अब है वरमाला की तैयारी स्टेज पर। तो अब आपको ले चलते हैं स्टेज पर, और दूल्हे का देखिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, और कितनी खुशी दूल्हे के चेहरे पर झलक रही है। और भाभी जी थोड़ा नर्वस हैं। और ये भाभी जी की दोनों, एक साइड में भाभी जी हैं और दूसरी साइड में है भाभी जी की बहन। तो फ्रेंड्स, अब सभी वेरस में रिवाजें होंगी जो स्टेज पर होती हैं, वरमाला और जो भाभी जी की सहेलियाँ हैं और लोग हैं जो, वे उपहार देंगे भाभी जी को और लड़के को, दोनों को ही। आज से दूल्हे राजा और दुल्हनिया की होगी नई जिंदगी की शुरुआत। अब सभी फ्रेंड्स भी दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद दें, और कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं दूल्हा और दुल्हन की जोड़ी आप सबको कैसी लगी।